नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बृहत कथा एवं स्त्रोत में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे योगिनी एकादशी की, जो कि 24 जून 2022 को मनाई जाएगी। इसका शुभ मुहूर्त, व्रत की पारण विधि एवं पूजा विधि की। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से करने और व्रत रखने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। साल भर में पड़ने वाली 24 एकादशियों में योगिनी एकादशी का व्रत काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। दोस्तों, योगिनी एकादशी का व्रत हर साल आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। दोस्तों, इस साल यह व्रत 24 जून को दिन शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। योगिनी एकादशी के व्रत से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य तो प्राप्त होता ही है, साथ ही इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने वाले मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, चलिए अब बात कर लेते हैं इसके शुभ मुहूर्त की, क्योंकि किसी भी व्रत का शुभ मुहूर्त बहुत मायने रखता है दोस्तों, क्योंकि उसके शुभ मुहूर्त में की गई पूजा बहुत फलदायी होती है। पंचांग के मुताबिक एकादशी तिथि 23 जून दिन गुरुवार को रात्रि 9:41 से शुरू होगी तथा इसका समापन 24 जून दिन शुक्रवार को रात 11:12 पर होगा। वहीं योगिनी एकादशी का व्रत दोस्तों 24 जून को ही रखा जाएगा। अब इस बात कर लेते हैं इसके पारण विधि की। योगिनी एकादशी व्रत का पारण 25 जून दिन शनिवार को प्रातः 5:41 से सुबह 8:12 के मध्य ही होगा। अब बात करते हैं योगिनी एकादशी की पूजा विधि की। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत का पालन दसवीं तिथि की रात्रि से ही शुरू हो जाता है। दसवीं तिथि की रात्रि को व्रत करने वाले लोगों को बिना नमक वाला सात्विक भोजन करना चाहिए। फिर एकादशी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात एक चौकी लगाएं, उस पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं और इस पर विष्णु जी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। फिर भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय होने के कारण दोस्तों उन्हें पूजा में पीला चंदन, पीले फूल, पीले फल और पीला मिष्ठान आदि समर्पित करें। साथ ही भोग के साथ तुलसी दल जरूर रखें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार तुलसी के बिना विष्णु भगवान की पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती है। इसके बाद धूप दीप जलाकर आरती करें और फिर मन में भगवान विष्णु से आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना करें। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये छोटी सी जानकारी मेरी पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।